सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं GTA 5। भाई आज ट्रेवर जो है वो अपना एक बहुत ही बड़ा डील करने आए हैं गन्स का और ड्रम्स का इस लिकर शॉप में अपने जापनीज पार्टनर्स के साथ। उसके जापनीज पार्टनर्स जो हैं वो और उसका ट्रांसलेटर यहीं पर लाइक दारू वगैरह पी रहे हैं। किस खुशी में पी रहे हैं आई डोंट नो, बिकॉज डील अभी फाइनल हुई नहीं है। तो भाई ट्रेवर जैसे ही पहुँचता है वहाँ पर वो लोग अलग ही धुन में नाच रहे होते हैं, या पहले बियर बार में पूरी धुन लगी होती है और वो जैपनीज जो ट्रांसलेटर है वो अलग नाच रहा होता है और जैपनीज अलग बैठा होता है। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई बहुत हो गई तुम्हारी पार्टी, बाहर आओ बात करते हैं इस बारे में। भाई बाहर आने के बाद मैं पहले उनको नमस्ते करता हूँ जैपनीज तरीके से और फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ भाई क्या मेरा प्लान है, कैसे कैसे मैंने फाइनल किया है, क्या क्या चीज़ें हम लोग ऐड करेंगे। भाई वो लोग बिल्कुल शांत चुप होकर सुन रहे हैं बिना किसी रिएक्शन के। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि स्टार्टिंग में ये लोग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन सारे डील्स में, अब ये कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे। भाई तभी जैपनीज बोलना स्टार्ट करता है कि भाई ऐसा है, हमने जो डील है ना वो ऑलरेडी किसी के साथ कर दी है और वो हर गन तुमसे कम से कम 15% कम में दे रहा है और ड्रग्स पे भी उसने 20% एक्स्ट्रा छूट दी है और 1 किलो तो वो अलग से दे रहा है। तो भाई ड्राइवर को ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता भाई देखो तुम्हारी डील किसी से भी हुई है ना, पहली बात तो वो कल की डेट तक बचेगा नहीं, दूसरी बात तुम्हारी जब डील करने वाले नहीं बचेगा तो तुम डील करोगे किससे। तो ये सारी चीज़ें सुनकर ट्रैवल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाकर सीधा अपनी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए निकलता है और कहता है भाई जिससे भी डील हुई है ना उसको तो मैं जान से मार दूंगा। जैपनीज के मुंह से गलती से ना उसका नाम निकल जाता है, तो ओनील कोई बंदा था बाइकर गैंग का, उसी के भाई ने ये डील करवाई है। भाई उसका भाई जो है वो आउटस्कर्ट एरिया में यहीं पीछे की तरफ रहता है, ज़्यादा दूर नहीं बस 1 किलोमीटर। भाई ड्राइवर इतना गुस्से में है कि उसको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो क्लिक पेड़ों में टक्कर मार रहा है और ऑफ रोडिंग कर रहा है पूरी और कह रहा भाई मुझे कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना है। गूगल मैप उसने लगा दिया और ऑफ रोडिंग के तरीके से वो पहुँच रहा है, एक ही उसने ठीक से रोड नहीं लिया है। भाई बस चलाया जा रहा है गुस्से में और उसको ये नहीं पता भाई कि वो जा खा रहा है, वो पहाड़ियों पर पत्थरों पर हर किसी चीज़ पर कुदा रहा है, बस उसे उस लोकेशन पर पहुँचना है और उन लोगों को मारना है, बिकॉज ये डील है ना बहुत बड़ी होने वाली थी ड्राइवर के लिए। भाई तभी उसका ट्रक पलट जाता है और थोड़ा टाइम लग जाता है उसको ट्रक को सीधा करने में और भाई अभी वो पहुंच जाए उस लोकेशन पर। लोकेशन थोड़ी सी ही दूर है जहाँ पर उन लोगों का फार्म है और यहीं पर वो सारा अपना ब्लैक मार्केटिंग वाला धंधा रखते हैं। और भाई ड्रग जिस लैब में वो बनाते हैं ना, हमारा मेन मकसद रहेगा उस लैब को ब्लास्ट करना, बिकॉज उसके बाद उनका ड्रग कभी बनेगा नहीं और ड्रग बनेगा ही नहीं तो पूरी टीम होने वाली है मेरी। तब मैंने जैसे ही वहाँ दूर से देखा ना तो दो लोग वहाँ पे शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी लाइक तबीला टाइप का कुछ है और उसके पीछे भाई उनका घर है जिसके अंदर शायद उन्होंने लैब बनाई हुई है। उस घर में भी बहुत सारे लोग हैं एंड आई एम श्योर सबके पास गन्स होंगे। तभी उनके पास एक बंदा आता है, वो इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि भाई ड्राइवर यहाँ पर आने वाला है और उसको हमारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है हमारी डील के बारे में। आई एम श्योर ये जैपनीज है तो इनको कॉल किया होगा कि भाई ड्राइवर गुस्से में निकला तो प्लीज़ ध्यान रखना, बट भाई इनके ध्यान रखने से कुछ होगा नहीं बिकॉज अब मैं आ गया हूँ पूरा गुस्से में। भाई जैसे ही ये लोग आगे आने की कोशिश करते हैं ना तो मैं एक एक करके जो जो मेरे सामने आता है सबको मारना स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा देर ये लोग मेरे सामने टिकते नहीं है, एक एक बंदा सिर्फ 2-2 सेकंड लेता है गिरने में। और भाई एक एक करके मैंने जितने बंदे यहाँ पर मेरे को मारने के लिए आए हुए थे इन सबको लगा दिया है ठिकाने। भाई कुछ बंदे और बचे हैं, इनको मारने के बाद हम चलेंगे घर की तरफ और भाई कुछ छोड़ने वाले हम हैं नहीं इस बार। भाई ड्राइवर फुल स्पीड में भागते हुए घर की तरफ जा रहा है तभी ऊपर से किसी किन लोगों ने गोलियां चलाई है इसके ऊपर। मुझे यहाँ से दिखे नहीं इसलिए मैंने गोलियां चलाई नहीं, यहाँ से इस गोली चक्कर की ओट लेकर हम लोग देखेंगे कौन बंदा है और स्नाइपर गन हमारे पास है, फुल जूम कर लेते हैं एक बार मैंने देखने। हाँ भाई इस कोने में बंदा बैठ के ऊपर से गोलियाँ चला रहा है यार, पहली गोली मैंने चलाई मिस हो गया पर दूसरी गोली में यार जाली के अंदर से मार देंगे ना, इतना ज़्यादा जूम करने की ज़रूरत है नहीं। तो भाई जैसे मैं घर के पास आ रहा हूँ यहाँ पर 3-4 लोग और हैं, तो पेड़ के पीछे छुप के मैं देख रहा था कि कौन कौन है और कैसे कैसे गन्स हैं उनके पास। भाई तभी उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, एक बंदा बाहर आया, बाहर आते ही वापस अंदर डाल दिया मैंने। और भाई एक बंदा अंदर से झांक का गोलियाँ चला रहा था, दो हैं यार, दो अलग अलग खिड़की से चला रहे इसलिए कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। भाई जैसे ही बंदा बाहर आया ये मार दिया, ये बाहर आया ये भी मार दिया। भाई अंदर सिर्फ 2 बंदों के होने की अभी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मतलब मैप के थ्रू, 2 रेड डॉट दिख रहे हैं मतलब 2 बंदे और होंगे। तो मैं घर के पीछे की तरफ से घर में एंट्री ले रहा था एक बार, अब फिर देखते हैं क्या हो सकता है। नहीं भी तभी खिड़की में एक बंदा दिखा, इसको मैंने मार दिया और कोई यहाँ पे आगे की तरफ है नहीं। सर पीछे के गेट से हम लोग करेंगे घर के अंदर एंट्री और घर के अंदर एंट्री करने का हमारे जो मिशन मेन रहेगा वो रहेगा सारे बंदों को मारना है और फिर लैब को ब्लास्ट करना है।
अगर लैब ऊपर ही हुई तो देखेंगे, तो उसको सिर्फ वैसे ही ब्लास्ट कर देंगे बॉम्ब वगैरह डाल के। अगर वो बेसमेंट में हुई तो मैं पूरा घर ब्लास्ट करना पड़ेगा। तो बेसमेंट में अगर मैं बॉम्ब डालूंगा ऑब्वियसली वही फट हुआ। फिर तीन बंदे मुझे घर के अंदर मिले और तीनों एक ही लाइन में खड़े थे, इसलिए एक ही लाइन से मर भी गए। एक भी बंदा यहाँ पे बचा नहीं है। एक रेड डॉट यहाँ पर दिख रहा है, बट वो कहाँ है मुझे समझ नहीं आया। बहुत देर के बाद मुझे जाके ये लोकेशन मिली है, और भाई ये लेके जाता है मुझे सीधा बेसमेंट की तरफ, जैसा मैंने कहा था। अब मुझे पूरा घर ही ब्लास्ट करना पड़ेगा भाई। यहाँ पर एक बंदा लास्ट है जिसने वो पूरी डील फाइनल की थी, लास्ट में बचा हुआ था। भाई इसको बड़ी गन से तो नहीं, इसको छोटी पिस्टल से मारेंगे, गुड्डू की गन से। तो भाई गुड्डू की गन जैसे मैंने इस पर तानी है, ये बंदा बौखलाया हुआ था, सॉरी सॉरी बोल रहा था। फिर जैसे ही इसने होशियारी दिखाने की कोशिश की, भाई गन उठा के मेरे पे चलाने वाला था, एक ही गोली में इसका जो ड्रग बनाने का बॉटल था वो भी टूट गया और ये भी मर गया। भाई गुस्सा मेरे को बहुत ज़्यादा था, इसलिए दो तीन गोलियां मैंने ऐसी छुट्टी मार दी इस पर। और फिर मैंने उठा लिया यहाँ से इनका घासलेट का कैन। तो पूरे घर के अंदर मैंने घासलेट फैला दिया है, एक एक डॉट। ये जितने भी येलो डॉट आपको देख रहे हैं ना मैप में, ये सारे आपको कवर करने होंगे। अगर एक भी छूट गया आपको बाहर से वापस आना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे भी बाद में पता चली जब मैंने पूरा कवर कर दिया था, और एक डॉट की वजह से मुझे घर से वापस आना पड़ा था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लाइक येलो लाइन मैप ना, ये सारी लाइन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर एक भी बीच में छूट गए तो पूरे घर में आग नहीं लगेगी। तो भाई एक एक करके मैंने पूरी लाइनों को कर दिया है कनेक्ट, और अभी थोड़ा सा बाकी है बाहर जाने तक के लिए। तो यहाँ से मैं चलाता हुआ जा रहा हूँ, पूरी लाइन कनेक्ट होती जा रही है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। अब आना पीछे की तरफ, यहाँ से भी ठीक है, घर के बाहर आ गए हम लोग। पर गलती से यार एक डॉट छूट गया। मैं ट्राई करता हूँ कैसे हो पाएगा, पर नहीं, ऊपर लिख के आ रहा है कि पूरा डॉट कवर करना पड़ेगा। तो भाई उस डॉट को कवर करने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ उसी लोकेशन पर, और भाई यहाँ पर है वो डॉट। भाई यहाँ पे पेट्रोल डालते वो हुए डॉट कम्प्लीट। अब मुझे निकलना है घर से बाहर, और भाई ये थी वो पेट्रोल की लाइन जो मैंने स्टार्ट की थी, मतलब एंड की थी यहाँ पे। और भाई इसको दो तीन गोलियाँ मार के हो जाएगा ये गेम ख़त्म। एक दो तीन, भाई फोर्थ अटैम्प में मेरी गोली लग गई बिल्कुल सही, और ये हो गया है भाई पूरा का पूरा घर इंक्लूडिंग इनकी लैब ब्लास्ट। एक दो तीन। सो गाइस विजुअल इफेक्ट बहुत ही तगड़े इसमें लगाए हुए हैं, बहुत ही गंदा वाला ब्लास्ट था ये। और ट्रेवर के मन को अब मिली है शांति, और उस जैपनीज को अब जाके ये बताएगा कि भाई जिससे तूने डील की थी उसका सारा का सारा माल जल के खाक हो गया, और अब मैं भी तुझसे डील नहीं करूँगा, तो जा तू किसका माल खरीदेगा मैं भी देखता हूँ। तो भाई इस वीडियो में आज इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मिशन में। आपके सजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनकेस अगर आपको पता है कि ऐसा क्या है जो हम बहुत खास कर सकते हैं यहाँ पर, प्लीज़ कमेंट करके बताना, हम ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने घर वालों को रखो ध्यान, और आप सबको राम राम।